إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فَاعُوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़दफफ़ा दफ़ाउन आदिमा हर तरह की तारीफ उस अल्लाह रबालमीन के लिए लायक और जेबा है जो सारे जहाँ का अकेला खालक है मालिक है हाकिम है राज है दरुदोसम नाजिल हों के तमाम नबियों पर खूस आखिरी नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाजरीन अल्लाह ताला ने हम सब को पैदा किया और हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया अब हमें ये चाहिए कि हम अच्छे और नेक काम करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार लें अगर कोई आदमी अच्छा और नेक काम करता है तो दुनिया में भी उसको सुरखरुई मिलती है बरज़ की ज़िंदगी भी बेहतर होती है और आखिरत में भी वो कामयाब होता है और अगर कोई आदमी बुरे काम करता है तो दुनिया में भी बदनाम होता है बर्ज़ की ज़िंदगी भी ख़राब होती है और क़यामत के दिन भी उसको जिल्लत और रसबाई से दो चार होना पड़ेगा हमें चाहिए कि हम ख़ुद नेकी करें और नेकियों को फैलाने वाले हो जाएं। आज बहुत सारे मुसलमान इस खुशफहमी में मुबला हैं कि हम तो मुसलमान हैं हमने तो क़लिमा पढ़ा है हम जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों जन्नत में जाने के लिए सिर्फ़ मुसलमान होना काफ़ी नहीं है जन्नत में जाने के लिए नेक आमाल की ज़रूरत है बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ईमान की बुनियाद पर जन्नत मिल जाएगी और अमल की ज़रूरत नहीं है इमाम बुखारी रमतुल्ल ने अपनी सही किताब सही बुखारी में बाब बांधा है अल ईमानु यजीदु व कसु ईमान कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है जब इंसान नेकियां करता है तो उसका ईमान बढ़ जाता है और जब इंसान गुनाह करता है तो उसका ईमान घट जाता है अमल की ज़रूरत है अल्लाह तबारक व ताली ने कुरानी मजीद में कई मकाम पर इंसानों को अमल के लिए उभारा है एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया तरमाया तियअबलकुम अम असन आमला वहूल अजीज़ुलग़फ़ोर वही अल्लाह है जिसने मौत और ज़िंदगी को बनाया लियबलुआकुम अम असन अमला ताकि वो तुमको आजमाए कि कौन नेक काम करता है ये ज़िंदगी और मौत का मकसद क्या है अल्लाह ताला आजमाना चाहता है कि उसका कौन बंदा है जो नेकी करता है और कौन सा बंदा है जो गुनाह करता है वह अल अजीज़ल ग़फ़ूर और वो गालिब है बख्शने वाला है एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया मन आमिलान मिनकरिन अंसा व हुआ ममिन फ़लनुअ नयातन तय्यबा जो शख्स नेक काम करे चाहे वो मर्द हो या औरत कोई मर्द ये ना समझे कि नेकी सिर्फ हमारी जागीर है औरत भी नेकी करे मर्द भी नेकी करे मन आमिला सालिहन जो शख्स भी नेकी करता है मिनकरिन और चाहे वो मर्द हो या औरत हो वह हुआ ममिन और वो साहिब ईमान है फ़ला हयातन तयबा तो हम उसको पाकिज़ा ज़िंदगी अता करेंगे मालूम ये हुआ कि नेक काम करने से इंसान की ज़िंदगी पाकिज़ा हो जाती है नेक काम करने से इंसान की जिंदगी बेहतर हो जाती है नेक काम करने की वजह से इंसान की जिंदगी में बरकत होती है नेक काम करने की वजह से इंसान अल्लाह का महबूब हो जाता है और जिंदगी पाकिजा हो जाए जिंदगी बेहतर हो जाए इंसान अल्लाह का महबूब हो जाए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है अल्लाह तबार व तआला ने एक और मकाम पर फरमाया वन उस शख्स से अच्छी बात किसकी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और वो खुद नेक काम करे और वो ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ मालूम एक ये हुआ कि एक दाई एक मुबलग जो दीन का काम करता है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और वो खुद भी नेकी करता है साहिब ईमान है तो उसकी बात सबसे अच्छी है उससे अच्छी किसी की बात नहीं हो सकती है क्यों इसलिए कि वो मुसलमान है इसलिए कि वो नेक काम करता है इसलिए कि वो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है इस आयत में भी अल्लाह तबार व तआला ने नेक काम करने की तरगीब दिलाई है क़यामत के दिन भी इंसान अल्लाह से मुलाकात करेगा और अल्लाह को देखेगा तो इसका सबसे बड़ा सबब यह होगा कि इंसान नेकी किया है जो इंसान नेकी नहीं करेगा जो इंसान साहिब ईमान नहीं होगा जो इंसान अल्लाह पर ईमान नहीं रखेगा जो इंसान शिरक में मुबतला होगा वो कयामत के दिन रब के दीदार से महरूम रहेगा और कबल इसके कि मैं वायद बताऊँ मैं आपको बता दूँ कि इंसान की जिंदगी की और उसके बाद मरने की और जन्नत में जाने की इन तमाम खूसियात में सबसे रहमत और बरकत और सबसे अफजल चीज अल्लाह का दीदार करना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल असलम की वो मशहूर हदीस कि अल्लाह ताला इंसानों को जन्नत में डाल देगा जन्नत की सारी नेमतें उसको मिल जाएंगी और जन्नत की सारी नेमतें पाने के बाद फिर अल्लाह उससे पूछेगा तुम्हें किसी और नमत की जरूरत है तो इंसान कहेगा कि अये अल्लाह तूने मेरे नेक अमल को कबूल कर लिया मुझे कामयाब किया जन्नत दी जन्नत की नेमतों से नवाजा अब मुझे और क्या चाहिए अल्लाह तबारक को उसके बाद अपने सामने से पर्दा हटाएगा और अल्लाह तबारक का चेहरा जन्नतियों के ऊपर जाहिर हो जाएगा प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के चेहरे के देखने के बाद जन्नती तमाम नेमतों को भूल जाएंगे मालूम यह हुआ कि इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है कि वह अपने रब का दीदार कर सके अल्लाह तबारक फरमाया फमन का नरजुल का रब ही फल अमल अमलहा इबादत रब ही जो शख्स अपने रब से मुलाकात करना चाहता है उसको चाहिए कि नेक काम करे उसको चाहिए कि नेक काम करे वाला युशरिक शरीक बे इबादत रब भी और अपने रब के साथ किसी को शरीक न करे रब से मुलाकात होगी रब का दीदार होगा कब जब नेक काम करेंगे जब अपने आप को शिर्क से बचाएंगे मालूम यह हुआ कि नेकी का फायदा दुनिया में भी है बरजख में भी है और आखरत में भी है अल्लाह तबारक तआला ने एक और मकाम पर फरमाया फमैया अमल मिसकाल ज़र्रत खैरैर व मैया अमल मिसकाल ज़र्रत शर्रै जर्रा बराबर कोई खैर का, का काम किया होगा नेकी का काम किया होगा वो उसको देख लेगा जर्र बराबर कोई शर का बुराई काम काम किया होगा उसको भी देख लेगा मालूम ये हुआ कि हम नेकियां करते हैं भूल जाते हैं गुनाह करते हैं भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह तबारक वाली ने दो फरिश्तों को हमारे साथ रखा है जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है एक दाहिने कंधे पर एक बाएं कंधे पर जो हमारी नेकियों को और हमारे गुनाहों को लिखते रहते हैं और कयामत के दिन दफ्तर की शक्ल में हमारे सामने पेश कर दिया जाएगा मालूम यह हुआ कि जिसकी नेकियां ज़्यादा रहेंगी वो कामयाब होगा छोटी नहीं की भी किया है तो उसके लिए कामयाबी की जमानत होगी अल्लाह तबारक वाले ने एक और मकाम पर फरमाया तिल तिलकल जन्नतुल्लती बीमा यह जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो यह क्यों मिली है बीमा कुं तुम तामलोन उस अमल की बुनियाद पर जो तुमने दुनिया में किया था मालूम यह हुआ कि अमल करके हम जन्नत कमा सकते हैं अमल करने की वजह से हम जन्नत हासिल कर सकते हैं नेक नकम करो अल्लाह तबारक तआला ने कामयाबी की जमानत भी नेक कामों में रखी है मशहूर सूरत है वअर इंसान लफी खसर आमनो वाम व तबास व तबास बिस कसम है जमाने की सारे इंसान खसारे और घाटे में हैं सिवाय उन लोगों के जिन लोगों ने ये चार काम किया आमनु ई ईमान लाए वामिलिहात नेक काम किया व बिलहक़ और लोगों को हक बात की वसीयत की व तो सब्र और सब्र की वसीयत की मालूम ये हुआ कामयाबी के लिए ईमान अमल सुालह दावत तबलीग और सब्र की ज़रूरत है यहाँ भी अल्लाह व तआला ने अमल सुह का जिक्र किया ये बहुत सारी आयतें मैंने आप के सामने पेश की हैं जिससे मालूम होता है कि इंसान की जिंदगी में नेक अमल की बड़ी अहमियत है हम नेक काम करेंगे दुनिया में भी फायदा होगा बरसक में भी फायदा होगा आखरत में भी फायदा होगा अल्लाह हम सब को नेकियों की तोहफी नायत फरमाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में भी लोगों को नेकियों की तरगीब दिलाई है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है आपने फरमाया बाद युस बिहुर रजुलन व युमसी का फिरन औयम सी ममिनन व युस बिहु का फिरन यी न्यारत दुनिया सही मुस्लिम की मशहूर हदीस है प्यारे नबी ने फरमाया फितनों के जाहिर होने से पहले नेक कामों में जल्दी कर लो आने वाले दिनों में फितने होंगे आज कितने फितने हैं हम सोच सकते हैं फितनों ने इंसान को कैसा जकड़ लिया है हम अपनी मर्जी का खा नहीं सकते हैं हम अपनी मर्जी का पहन नहीं सकते हैं कैसे कैसे मसाइल हमारे सामने ये फितने कुछ भी नहीं हैं अभी इससे ख़तरनाक फितने उठेंगे और वो फितने ऐसे होंगे जो शब दूर की तारीखियों से भी ज्यादा खतरनाक होंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब फितनों में मुबला होगा सोचेगा ये फितना खत्म हो जाएगा हमें सुकून मिल जाएगी नहीं ये फितना ख़त्म होगा उसके बाद उससे भी बड़ा फितना आएगा मेरे भाइयों फितनों पर फितने उठेंगे ईमान की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी प्यारे नबी ने फरमाया शब दूर की तारीकियों से ज्यादा खतरनाक व फितने होंगे युस बेहोर रजलो ममिन व युम सी काफिरन सुबह को आदमी ममिन रहेगा शाम को काफिर हो जाएगा अम सी ममिनन वह युस बेहू काफिरन शाम को ममिन होगा सुबह को काफिर हो जाएगा यबी व दीन ब्याार जिम्मिनत दुनिया अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच देगा ईमान का बचाना मुश्किल हो जाएगा ईमान का सौदा करेगा आज हम जिन हालात से दो चार हैं हमारे सामने ये चीज़ें हैं फितनों पर फितने उठ रहे हैं और ईमान की हिफाजत करना कितना मुश्किल हो गया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर फरमाया का बे कसरतीजो लोगो ज्यादा से ज्यादा सजदा करो ज्यादा से ज्यादा सजदा करो क्यों सजदा करने की वजह से इंसान की बुलंदी होती है फ़ैन नकलन तस्जुदा ही सजन अफाकल्लाहा दरज आतान इसलिए कि तुम एक सजदा करोगे उस एक सजदे की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे मर्तबे को बुलंद करेगा मालूम यह हुआ कि इंसान नकियाँ करके बुलंद मर्तबे हासिल कर सकता है हमें नकियों की तरफ तोज्जो देने की जरूरत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया खैरनासी मन ताला उम्र हो सबसे बेहतर इंसान वो है जिसको लंबी ज़िंदगी मिले वह हसुना न हो और उसका काम भी नेक हो एक अच्छा आदमी अगर उसको एक दिन की जिंदगी मिल गई तो वो बहुत सारी नेकियाँ कर लेता है एक रोज़े रख लिया पांच वक्त की नमाज़ पढ़ लिया सदका खैरात कर दिया किसी को नेकी की तबलीग कर दी एक दिन भी हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है नेकी करने वाला एक दिन भी पाए तो बहुत सारी नेकियां कर सकता है और ना करने वाले पचास साल साठ साल की जिंदगी यूं ही बर्बाद कर देते हैं मेरे भाइयों हमारी जिंदगी में वक्त की बड़ी अहमियत है जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत ही बहुत ही अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है हमें इसकी कद्र करनी चाहिए और हर लम्हा हर घड़ी नेकी करने की कोशिश करनी चाहिए जंग का मामला है एक शख्स अल्लाह के नबी वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा अल्लाह के रसूल आपका क्या ख्याल है इन कुतिल तू अना। अगर ओहद में जंग में मैं कत्ल कर दिया जाऊं शहीद हो जाऊं फ आई आना तो मैं कहा जाऊंगा जन्ना हमारे नबी ने फरमाया जन्नत में जाओगे फालफी उसके हाथ में चंद खजूर थे उसने खजूरों को फेंक दिया फिर उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, कुतिला, यहाँ तक कि शहीद हो गया मेरे भाइयों साहब राम कभी ये नहीं सोचते थे ये काम हम कल कर लेंगे ये काम हम परसों कर लेंगे मौका मिला काम कर लेना साहब रसूल ने कहा हमारे हाथ में जो ये खजूरें हैं अगर हम इन खजूरों को खाते रहेंगे तो खजूर खाने में देर हो जाएगी जन्नत जाने में देर हो जाएगी मेरे भाइयों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही फरमाया कि अगर तुम कत्ल कर दिए गए शहीद कर दिए गए तो जन्नत में जाओगे साहब रसूल ने हाथ का खजूर फेंक दिया और अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हो गए मेरे भाइयों एक मोमिन हमेशा नेकियों का मुतलाशी होता है जिंदगी के एक एक लम्हे को अपने लिए वो खैर बरकत का सबब समझता है मेरे भाइयों आज हमारी सुस्ती आज हमारी काहली आज हमारी दीन बेजारी हमको कितना पीछे ले गई है हम किस कदर जिल्लत और रसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे भाइयों ये हमारी बदआमालियों का नतीजा है जाली का बीमा कसबत अदी कुम अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारे हाथों की कमाई है तुम्हारी जिल्लत तुम्हारी रसोई तुम्हारा मारा जाना तुम्हारा होना और तुम्हारे हकारत की निगाहों से देखना ये हमारी बदआमालियों का नतीजा है अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में और आखरत में हमको सुरखरोई मिले तो हमें दीन को अपनाना होगा हमें शरीयत को अपनाना होगा हमें नेक अमल करके अपनी वजूद का सबूत देना होगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही कहा सहाबी ने खजूर फेंक दिया जंग में कूद पड़े जवां दिखाई और शहीद भी हो गए मेरे भाइयों ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं चंद नमाज़ें पढ़ लेते हैं चंद रोज़े रख लेते हैं किसी की मदद कर देते हैं समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया हमारा ये अकीदा है इस कायनत के अंदर मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम से अफजल इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ और हमारा अकीदा है कि सबसे पहले जन्नत में आप जाएंगे सबसे पहले आपकी कब्र को खोला जाएगा सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा आप खटखटाएंगे इतना सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अमल से अपने आप को पीछे नहीं रखा फराइज का तो छोड़ो आप तहज्जुद नहीं छोड़ते थे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा क्याम करते थे कि आपकी एरिया फट जाया करती थी आपके पैरों में वरम आ जाया करता था यहाँ तक कि मुझे कहना पड़ा अय अल्लाह के रसूल अल्लाह तला ने तो आपके तमाम लफ्जिशों को माफ़ कर दिया है आप इस कदर क्यों मेहनत करते हैं हम समझते हैं हम ईमान ले आए हैं मुसलमान हैं जन्नत में चले जाएंगे नबी का जवाब क्या था हमारे ने क्या मुझे दुनिया में भी इज्जत दी और वो अल्लाह जो मुझे सबसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा उसी रब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं मेरे भाइयों ने क्यों में जल्दी करो ने क्यों में जल्दी करो आने वाले फितने बहुत खतरनाक हैं अपने दीन पर अमल करना मुश्किल हो सकता है इसलिए आज के दिन को गनीमत समझो और नेकियों में अपने आप को लगा लो यही हमारी दुनिया और आखरत की कामयाबी है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या नास, लोगो, सलाम अरहाम, नियाम सदखलजन्नतबी सलाम ऐ लोगो सलाम को खूब फैलाओ सलाम करना नेकी की है सलाम का जवाब देना नेकी है सलाम से आपस में मोहब्बत पैदा होती है प्यारे नबी ने फरमाया सलाम को ख़ूब फैलाओ अतम खाना खिलाओ गरीबों को यतीमों को मिसकीनों को बेवाओं को ज़रूरतमंदों को मुसाफिरों को दोस्तो अहबाप को खाना खिलाओ वसीलुल अरहाम और रिश्तेदारी को जोड़ कर रखो रिश्तेदारी को कटने ना दो वसलु जब लोग सो रहे हों उठ करके तहज की नमाज पढ़ो तद खल जन्नतम सलाम। सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे इंसान अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत कमा सकता है अल्लाह के दिल को जीत सकता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायाजीबतिन बिशहवात अय मेरी उम्मत के लोगों जन्नत जहन्नम को हुजीबतिन नारोबिस बिशहवात जहन्नम को शहवात से घेर दिया गया है इंसान शहवतों में मुब्तला हो जाता है बुराइयों में मुब्तला हो जाता है गुनाहों में मुब्तला हो जाता है और धीरे 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 वो बदकार हो जाता है और जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बतिल जन्नत बिल मकार जन्नत को नापसंदीदा चीजों से घेर दिया गया है जन्नत में जाने के लिए इंसान को अमल करना पड़ता है नमाज पढ़ना रोजा रखना सदक़ा व खैरात करना लोगों के साथ नेकी करना सिला रहमी करना कुरान की तिलावत करना हज करना उमरा करना लोगों की मदद करना ये नेकियां हैं जो इंसान के दिल पर शाख और मुश्किल गुजरती हैं खुजी बतिल जन्नत मकार जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों से घेर दिया गया है दिल नहीं चाहता है करना पड़ेगा जन्नत हासिल करने के लिए अपने दिल के जज्बात को और एहसास को दबा करके कुचल करके शैतान को मार करके नहीं किया करना पड़ेगा जन्नत कमाने के लिए और एक इंसान किस कदर हमारी बदनसीबी है हम पैसा कमाने के लिए झूठ बोलते हैं धोखा देते हैं जुल्म करते हैं और कमा के लाते हैं बीवी खाती है बच्चे खाते हैं हिसाब किसको देना है हमको देना है कभी सोचा आपने एक आदमी गलतियां करता है पैसा कमाने के लिए झूठ बोलता है धोखा देता है जुल्म करता है दूसरों का हक दबाता है एक आदमी गलती करता है पूरे घर के लोग खाते हैं सब लोग फायदा उठाते हैं हिसाब आपको देना है इसलिए मेरे भाइयों अपनी बीवी की खातिर अपने बच्चों की खातिर अपनी आकबत को खराब ना करें इसलिए कि कल क्यामत के दिन जब अल्लाह तबार व तआला हिसाब व किताब लेगा ना हमारी बीवी हमारे काम आएगी ना हमारे बच्चे हमारे काम आएंगे यो य फिर मिन ही व उम्मी ही व साहिबती व बनी उस दिन सब लोग एक दूसरे से दूर भागेंगे इसलिए दूसरों के लिए अपनी आकबत को खराब न करें हमारा अमल हमारे साथ कबर में और महशर में और आखरत तक जाने वाला है इसलिए अमल की तरफ तवज्जो दें प्यारे नबी ने फरमायात बलमय जब इंसान मर जाता है उसके पीछे तीन चीज़ें लगती हैं फरजन वाहिद दो चीज़ें लौट आती हैं और एक चीज़ बाकी रह जाती है यर्ज अहलहो व महो उसके अहल वाले और उसका माल लौट आते हैं वही वो काम और उसका अमल बाकी रहता इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए कोशिश करता है सबसे पहले वही उसका साथ छोड़ती है दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा कोशिश किसके लिए करता है पैसे के लिए हम पैसा कमा करके नाम कमा लें मेरे भाइयों प्यारे नबी ससर ने फरमाया यकूल इंसान माली 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 इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल हालांकि वो तेरा माल नहीं है तेरा माल वो है जो तूने खा लिया हमारे पेट में गया वो हमारा माल था तेरा माल वो है जो तूने पहन लिया हमने पहन लिया वो हमारा माल था तेरा माल वो है जो तूने सदका कर दिया हमने सदका वो खैरात कर दिया वो हमारे काम आ गया बाकी जो माल है वो हमारा नहीं है आंख बंद करते ही किसको मिल जाएगा वरसा को मिल जाएगा माल हमने कमाया गुनाह हमने किया जुल्म हमने किया धोखा हमने दिया पूरी कौम बांट रही है पूरे वारिस बांट रहे हैं हिसाब किसको देना है हमको देना है मेरे भाई गौर करो गौर करो संजीदगी के साथ अपनी औलाद के लिए अपनी आकमत को खराब न करो कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी औलाद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन मरने के बाद औलाद को इतनी तोफीक भी नहीं होती है कि अपने माँ बाप के नाम पर कुछ सदका खैरा भी करें यतबाउलमैता फैर जिया वो अब कवाद जब इंसान मर जाता है तो तीन चीजें उसके पीछे लगती हैं दो वापस आ जाती हैं एक बाकी रहता है यर्जी व अहल उसके घर वाले और उसका माल वापस आ जाते हैं व अब का उसका अमल उसके साथ कबर में जाता है कबर में दफन करने के बाद सब वापस आ जाते हैं क्या गया आपके साथ आपकी नमाज आपका रोज़ा आपका जक़त आपका सदका खैरात आपके नेकलाक या आपके साथ कबर में गए और कबर में आपकी हिफाजत करेंगे इसलिए मेरे भाइयों नेक अमल की तरफ तवज्जो तो दो आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं नेक काम किए हैं जन्नत में जाएंगे यकीनन मुसलमानों के लिए ईमान वालों के लिए अगर शिर नहीं किया है तो जन्नत मिलेगी लेकिन हर तब बकरी रजी अल्लाह कितने अच्छे इंसान हैं अम्बिया के बाद सबसे ऊंचा दर्जा किसका है अबू बकर सिद्दीक का दूसरे नंबर पर उमर फ़ारूक का अल्लाह के नबी नबीसम के ये साहबा अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक उस्मान गनी अलिया मुर्त रज़ी अल्लाह तहु मजमैन ये कौन लोग हैं जिन्होंने एक बार नहीं दसीियों बार दसियों बार अल्लाह के नबीसलम की ज़ुबान मुबारक से जन्नत की बशारत सुनी है अबू बकरी अल्लाह तहों के बारे में तो यहाँ तक कहा गया वो जब जन्नत के पास पहुंचेंगे तो आठों दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ ये वो सहाबा हैं बारहा वसल्लम से जन्नत की बशारत सुने लेकिन अमल में पीछे थे क्या कभी भी अमल में पीछे नहीं हुए जन्नत को हासिल करने के लिए अमल की कोशिश करते रहे अगर अगर है तो वो बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तुओं की जिंदगी उमर फारूक उस्मान गनी अली मुर्तज़ा की जिंदगी और उनकी नेकियों पर तबसरा करो तो मेरे भाइयों काफ़ी वक्त लगेगा हम सोच सकते हैं समझ सकते हैं ये वो नफुस कुदसिया है बार बार ज़ुबान रसालत से जन्नत की बशारत सुनने के बावजूद भी अमल में कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखा बल्कि सबसे ज़्यादा अमल करते रहे हमें अमल की ज़रूरत है जितना अच्छा हमारा अमल होगा उसी कदर हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी बारहा हमने सुना है कि एक औरत बदकार औरत एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत में चली गई मालूम है कि नहीं लेकिन जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम सोचते हैं कि मुसलमान है कि, कि गैर मुस्लिम अल्लाह अकबर नबी की सुन्नतों का दर्श देने वाले तोहीद का दर्श देने वाले किताबों सुन्नत के आलमबरदार बरदार कभी इन चीजों की तफरीक नहीं किया करते हैं अगर एक बदकार औरत कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत में जा सकती है तो एक इंसान इंसानियत के बचाने के लिए और उसको उसकी जान को महफूज रखने के लिए अगर वो मेहनत करता है तो उसको कितना सवाब मिलेगा लेकिन नहीं अगर कोई गैर मुस्लिम है नहीं ये हमारी कौम का नहीं है हम बताते हैं लोगों को कि कुत्ते को पानी पिलाने से जन्नत मिल सकती है एक इंसान के बारे में हम ये सोचकर मदद नहीं करते हैं कि वो हमारा नहीं है हमारे मसलत का नहीं है हमारी बिरादरी का नहीं है हमारी कौम का नहीं है मेरे भाई संजीदगी के साथ सोचो हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं हम अपने आप को किताबों सुन्नत के अलम बरदार कहते हैं एक कुत्ते की जान बचाना भी इबादत है मशहूर हदीस है एक बिल्ली को मारने की वजह से एक औरत जहन्नम में चली गई जानवरों के साथ भी एहसान करना लेकिन जब कौम के लिए खड़े होने की जरूरत पड़ती है तो हमारे जहनो दिमाग में यह बात आती है यह हमारी कौम का नहीं है यह हमारे मसलक का नहीं है यह हमारी बिरादरी का नहीं है यह हमारी कास्ट का नहीं है मेरे भाइयों यही चीज़ें हमको कमजोर कर रही हैं मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए जब तक एक साथ मिलकर के इज्तमीत के साथ अपनी कुत और ताकत का मुजाहरा नहीं करेंगे ना हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं ना आखरत में कामयाब हो सकते हैं आज जरूरत है इंसानियत को हमारे तान की आज जरूरत है इंसानियत को हमारे सपोर्ट की आज जरूरत है मिल्लत को हमारे ताउन की इसलिए ऐसे वक्त में हमें खड़े होना चाहिए हमें साथ देना चाहिए यही यही हमारे तुर्रही इमतियाज़ है और यही हमारे नबी ने हमको सिखाया है मेरे भाइयों हम सोचते हैं छोटा मोटा अमल करने से क्या होगा क्यामत के दिन अल्लाह तबार को तराजू कायम करेगा मशहूर हदीस है तराजू के दो पलड़े होंगे एक में नेकियां रखी जाएंगी एक में गुनाह रखे जाएंगे नेकी का पल्ला नीचे हो गया तो जन्नत में जाएंगे गुनाह का पल्ला नीचे हो गया तो जहन्नम में जाएंगे बैलेंस जो है कभी भी बैलेंस को देखते हुए हमें नेकी का पलड़ा भारी करने की जरूरत है इसलिए हर आदमी दिन में पूरा काम करने के बाद जब रात में सोने के लिए जाता है तो उसको अपने दिन का हिसाब करना चाहिए कि आज मैंने नेकी ज्यादा की है या गुना अगर नेकियां ज्यादा हैं तो यह बड़ी खुशनसीबी की बात है और अगर कम है तो रात में तोबा करके सोएं। इसलिए कि नेकियों का पलड़ा जो है कयामत के दिन जन्नत में जाने का सबब होगा अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस आपने फरमाया कि जिसका अमल उसको पीछे कर दे जिसका अमल उसको पीछे कर दे उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता आज अमल से पीछे रहने के जहां बहुत सारे इसबाब हैं इसमें से एक सबब यह है कि मैं फला खानदान का हूँ मैं सैयद हूँ नबी के ख़ानदान का हूँ नबी को आखिरी वक्त तक नेक अमल की ज़रूरत पड़ी और अपने आप को नबी से जोड़ने वाला क्या सोचता है मैं नबी के खानदान का हूं मैं जन्नत से चले जाऊँगा मैं फला खानदान का हूं मैं फला बिरादरी का हूं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल ने जिसको पीछे कर दिया हसब नसब उसको आगे नहीं कर सकता आप किसी भी बिरादरी को हो आप किसी भी कास्ट के हो अगर अमल सही है तो हम अल्लाह के यहां कामयाब होंगे और अमल नहीं सही है तो नाकाम होंगे आखिरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी आदमी अपनी अमल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब इंसान अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता है तो अमल की जरूरत क्या है जब अल्लाह के नबी सल्लम ने यह बात फरमाई कि कोई भी इंसान अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता है तो सहाबा ने पूछा किए अल्लाह के रसूल आप भी कहा हां मैं भी अल्लाह तबारक वाले की रहमतों ने मुझे घेर लिया है और अल्लाह की रहमत से ही मुझे जन्नत मिलेगी मेरे भाइयों इस हदीस को लेकर के बहुत सारे लोग अमल में पीछे हो गए कि अमल से जब जन्नत नहीं मिलेगी तो अमल करने का फायदा क्या है क्या फायदा है अमल से अल्लाह के दिल को जीता जाता है अमल से अल्लाह को खुश किया जाता है अल्लाह ताला नेक अमल को पसंद करता है और जब किसी के दिल को जीत लिया जाए तो वो हमारे लिए अपनी रहमतों को अपनी बरकतों को नाजिल करता है इंसान नेक अमल से अल्लाह को खुश करता है और जब अल्लाह खुश होता है तो जन्नत देता है अल्लाह जब खुश होता है तो अपनी रहमतों को नजूल फरमाता है इसलिए मेरे भाइयों कभी भी इंसान को अमल से पीछे नहीं होना चाहिए अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न ना नारी है मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है अगर हम चाहते हैं कि दुनिया और आख़रत में हमें कामयाबी मिले तो हमें नेक अमल की ज़रूरत है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक हम तमाम को नेक काम करने की तौफीक नायत फरमाए बुरे और गुनाह के कामों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए अकुल्किहाजा वास्तग फिर वक़ुम वलसा मिनकुलज़म फस्तग फिरफफ़ुररहीम